ओम शांति। आज प्यारे बाप दादा के साकार मधुर महावाक्य हैं 16 फरवरी 2023। आज की मुरली में बाबा ने पवित्रता की महिमा बताते हुए कहा कि सन्यासियों की महिमा इसलिए है क्योंकि वह पवित्र बनते हैं। तुम बच्चे जब पवित्र बनते हो तो तुम्हारी कितनी महिमा होती है। तुम बच्चों द्वारा मनुष्यों का 21 जन्मों के लिए कल्याण हो जाता है। सर्वात्माओं की मनोकामनाएं 21 जन्मों के लिए पूरी हो जाती है। फिर बाबा कहते हैं, जब आत्मा पवित्र होती है तो भारत माला माल होता है, धनवान होता है। बाबा पूछे, फिर ऐसे भारत को कंगाल किसने बनाया? माया रावण दुश्मन ने, जो सभी मनुष्य आत्मा का दुश्मन है। फिर कहा, मनुष्य समझते हैं कि मनुष्य का दुश्मन शायद मनुष्य है, वह समझते हैं दूसरे धर्म वाले हैं, हिंदू है, मुस्लिम है, सिख है, ईसाई है। वास्तव में बाबा कहे, दुश्मन यह 5 विकार हैं, जिसने ही सभी के सुख शांति संपत्ति का देवाला निकाला है। बाबा कहे, अब इन 5 विकारों पर जीत पाकर जगत जीत बनना है। बाबा आए हैं इस बड़े से बड़े दुश्मन से लिबरेट करने। फिर कहा, बाबा आए हैं भारत को सचखंड बनाने। जब बाप आते हैं तो देवी देवता धर्म में ट्रांसफर करते हैं। और फिर बाबा ने देवी देवता धर्म में ट्रांसफर होने की विधि बताई कि पहले 7 रोज भट्टी में रहे शूद्र से ब्राह्मण बनना पड़े और गृहस्थ व्यवहार में रहते पवित्र रहना है। सुनते हैं महावाक्यों को विस्तार से। आज बाबा कहे, मीठे बच्चे, इस समय सभी के सुख संपत्ति का देवाला रावण 5 विकारों ने निकाला है। तुम अभी रावण रूपी दुश्मन पर जीत पाकर जगत जीत बनते हो। आज मुरली से प्रश्न है, ड्रामा के किस राज को जानने के कारण तुम बच्चों के ख्याल बड़े ऊंचे रहते हैं? उत्तर में बाबा ने 2 पॉइंट बताए। पहला, बाबा कहते, तुम जानते हो ड्रामा अनुसार ऑटोमेटिक प्रभाव निकलता जाएगा, फिर भक्तों की भीड़ लगेगी, उस समय सर्विस नहीं हो सकेंगी। दूसरा पॉइंट है, जो बाबा के बच्चे दूसरे धर्मों में कन्वर्ट हो गए हैं, वो निकल आएंगे, इसलिए तुम्हारे ख्यालात बहुत ऊंचे रहते हैं कि कहां से कोई निकले जो बच्चा बन बेहद बाप से अपना वर्षा ले। तुम्हें यह ख्याल नहीं रहता कि कोई निकले जो पैसा दे, लेकिन शिव बाबा पढ़ाते हैं यह निश्चय बैठे और बाबा से वर्षा लेने के लिए भागे। आज मुरली में गीत बजा, ले लो दुआए माँ बाप की। ओम शांति। सेवा को सर्विस भी कहा जाता है। पहले माता पिता सेवा करते हैं, अब देखो प्रैक्टिकल में कर रहे है ना। अभी तुमसे ही सभी कायदे कानून परमपिता परमात्मा आकर स्थापन करते हैं। तुम बच्चे आते हो, मम्मा बाबा कहते हो, मम्मा बाबा भी तुम्हारी सेवा करते हैं। हद के माँ बाप भी बच्चों की सेवा करते हैं। माँ बाप गुरु वह सब है लौकिक, यह है पारलौकिक। लौकिक को सब जानते हैं, बरोबर बाप जन्म देते हैं, टीचर पढ़ाते हैं अर्थात शिक्षा देते हैं, फिर वानप्रस्थ अवस्था में गुरु किया जाता है। यह रस्म रिवाज कब से शुरू हुई? बाबा कहते, गुरु करने की रस्म रिवाज कब से शुरू हुई? अभी संगम से ही यह प्रारंभ होती है। इस समय ही सतगुरु आते हैं, समझाते हैं, मैं तुम्हारा बाप भी हूँ, टीचर भी हूँ, सतगुरु भी हूँ। बाप के तो बच्चे बने हो, टीचर रूप में इनसे शिक्षा पा रहे हो, अंत में सतगुरु बन तुमको सचखंड में ले जाएंगे। तीनों का प्रैक्टिकल में करते हैं। तुम बच्चे माता पिता कहते हो तो बाप भी स्वीकार करते हैं। यह तो जानते हैं सभी बच्चे एक समान सपूत नहीं हो सकते, यहाँ भी बेहद का बाप कहते हैं, सब बच्चे सपूत नहीं हैं। यह तो तुम भी जानते हो। अभी है रावण राज्य, यह कोई विद्वान पंडित आदि नहीं जानते हैं। जब कोई आते हैं तो पहले तो उनसे पूछना चाहिए, तुम क्या चाहते हो? फिर कोई शांति चाहते हैं, इसलिए गुरु ढूंढते हैं। सतयुग में कोई गुरु आदि नहीं ढूंढते, क्योंकि वहाँ दुखी नहीं है, वहाँ कोई अप्राप्त वस्तु नहीं है। यहाँ तो कोई न कोई वस्तु की लालसा रख गुरु के पास जाते हैं।
कोई का सुनेंगे कि उनकी मनोकामना पूरी हुई तो खुद भी उनके पिछाड़ी में जाएंगे। सन्यासी पवित्र बनते हैं तो उन्हों की महिमा तो बढ़नी ही है, बहुत शिष्य बन जाते हैं। विवेक भी कहता है, जो पवित्र बनते हैं उनकी महिमा जरूर बाप को करानी है। तुम पवित्र बनते हो तो तुम्हारी कितनी महिमा होती है। तुम्हारे द्वारा मनुष्य का 21 जन्मों के लिए कल्याण हो जाता है। सर्व मनोकामनाएं 21 जन्मों के लिए पूरी हो जाती हैं। यह भी तुम जानते हो। दुनिया में यह भी कोई नहीं जानते हैं कि परमात्मा कब आते हैं। जगत अम्बा कौन है जिस द्वारा हमारी सब मनोकामनाएं पूरी हो जाती हैं। अब सब घोर अंधियारे में है। यथा राजा रानी तथा प्रजा, पहले कम अंधियारा होता है, फिर कलयुग में घोर अंधियारा होता है। माया के राज्य को घोर अंधियारा कहा जाता है। बाप कहते हैं, भारत का बड़े ते बड़ा दुश्मन भी माया रूपी 5 विकार हैं। तुम जानते हो, इस समय माया रावण ने सीताओं को हरण किया, अर्थात अपनी जंजीरों में कैद किया। बाप आते हैं इस बड़े ते बड़े दुश्मन से लिबरेट करने। यह भी कोई को पता नहीं कि भारत जो इतना माला माल था, उनको इतना कंगाल किसने बनाया। यही रावण बड़ा दुश्मन है। इनकी प्रवेशता के कारण भारत का यह हाल हो गया है। कहा जाता है ना, तुम्हारे में क्रोध का भूत है। परंतु मनुष्य समझते नहीं है कि 5 विकारों को भूत कहा जाता है। यह भूत अर्थात रावण ही सबसे बड़ा दुश्मन है। ऐसे नहीं कि मुसलमानों व क्रिश्चियन ने भारत को कंगाल बनाया, नहीं, सबके सुख संपत्ति का देवाला इसी रावण ने निकाला है। यह बात कोई नहीं जानते हैं। अब संन्यास धर्म को 1500 वर्ष हुए, उन्हों की संख्या बहुत वृद्धि को पाई है। वृद्धि को पाते पाते अभी आकर जड़ जड़ी भूत अवस्था को पहुँचते हैं। तुम्हारा तो अब सतो प्रधान नया झाड़ है। तुम अभी रावण के साथ युद्ध कर रहे हो। गीता में रावण का नाम नहीं है। उन्होंने फिर हिंसक युद्ध दिखा दी है। बाप कहते हैं, तुम इन 5 विकारों रूपी रावण पर जीत पाने से जगत जीत बनेंगे। अन्य सभी धर्मों को तो वापस जाना है, क्योंकि सतयुग में तो होगा ही एक धर्म एक राज्य। सो जिसने कल्प पहले लिया था, जो सूर्यवंशी बने थे, वही सतो प्रधान नंबर 1 राज्य करेंगे। सतयुग में था ही एक धर्म, फिर पुनर्जन्म लेते लेते अभी तो बहुत वृद्धि हो गई है। जैसे अन्य धर्मों में भी अनेक प्रकार की वृद्धि हो गई है, वैसे इसमें भी ब्रह्म समाजी, आर्य समाजी, सन्यासी आदि कितने हैं, वंडर है सभी भारतवासी। एक आदि सनातन देवी देवता धर्म के है ना, सिजरा तो ऊपर से वही चला आता है ना। भारत खंड है सच खंड, जहाँ बाप आकर देवी देवता धर्म में ट्रांसफर करते हैं। यह तुम जानते हो, पहले 7 रोज भट्टी में रख शूद्र से ब्राह्मण बनाना पड़ता है। सन्यासियों को वैराग्य आता है, जो जंगल में चले जाते हैं उन्हों का रास्ता ही अलग है। घर बार छोड़ जाते हैं, उन्हों को कोई तकलीफ नहीं है। हाँ, मनसा में तो संकल्प आएगा, काम विकार से तो छूट ही जाते हैं, बाकी क्रोध आता है, उनमें भी नंबरवार होता है ना। कोई उत्तम, कोई मध्यम, कोई कनिष्ठ, कोई तो एकदम डर्टी भी होते हैं। सतयुग में भी भल सुखी तो सब होते हैं, परंतु नंबरवार मर्तबा है ना। सूर्यवंशी राजा रानी प्रजा, चंद्रवंशी राजा रानी प्रजा, उत्तम मध्यम कनिष्ठ तो होते हैं। यह सभी धर्मों में होता है। तो बाप सभी राज बैठ समझाते हैं। इस मार्ग में डिफिकल्टी बहुत है, सन्यास मार्ग में इतनी नहीं है। उन्हों को तो वैराग आया, सन्यास लिया, खलास। कोई कोई फेल होते हैं, कोई जो पक्के होते हैं, उन्हों का वापस आना मुश्किल है। यहाँ तो यह है गृहस्थ व्यवहार में रहते पवित्र रहना। बाप समझाते हैं, बहादुर वह जो दोनों इकट्ठे रहो और बीच में ज्ञान योग की तलवार हो। ऐसे एक कहानी भी है कि उसने कहा कि घड़ा भल सिर पर रखो, परंतु तेरा अंग मेरे अंग से न लगे, अर्थात विकार की भावना न हो। उन्होंने फिर शरीर समझ लिया है,
बात सारे विकार की है, अर्थात नग्न नहीं होना है, काम अग्नि में जलना नहीं है, बड़ी मंजिल है तो प्राप्ति भी बहुत बड़ी है। सन्यासी पवित्र बनते हैं तो उन्हों को भी कितनी प्राप्ति है। बड़े बड़े महामंडलेश्वर बन बैठे हैं, महलों में रहते हैं, बहुत लोग जाकर पैसा रखते हैं, चरण धोकर पीते हैं, बहुत महिमा होती है, परंतु नंबर वन महिमा है ईश्वर की। वही स्वर्ग का रचयिता है, वहाँ सतयुग में माया का नाम निशान नहीं रहता। सन्यासी भी यह नहीं समझते कि माया पांच विकार है, सिर्फ पवित्र रहते हैं। उन्हों का ड्रामा में यही पार्ट है, उन्हों का है ही हठ योग संन्यास, तुम्हारा है राजयोग संन्यास। वह राजयोग तो सिखला न सके, वह है शंकराचार्य, यह है शिवाचार्य। तुम भी परिचय देते हो, हमको भगवान आकर पढ़ाते हैं। वह तो जरूर स्वर्ग का मालिक बनाएगा, नरक का तो नहीं बनाएंगे। वह शिव बाबा रचता ही स्वर्ग का है, तो गृहस्थ में रहकर पवित्र रहना है, इसमें ही मेहनत है। कन्याओं को शादी बिगर रहने नहीं देते हैं, आगे विकार के लिए शादी करते थे, अब विकारी शादी कैंसिल कर ज्ञान चिता पर बैठ पवित्र जोड़ा बनते हैं। तो अपनी जांच करनी होती है कि माया कहाँ चलायमान तो नहीं करती है, मन में तूफान तो नहीं आते हैं। बाबा कहे भल मन में संकल्प आते हो, परंतु कर्म इंद्रियों से विकर्म कभी नहीं करना। भाई बहन समझने से, ज्ञान चिता पर रहने से काम अग्नि नहीं लगेंगी, अगर आग लगी तो अधोगति को पा लेंगे। यूं तो सारी दुनिया भाई बहन है, परंतु जब बाप आते हैं तो हम उनके बनते हैं। अभी तुम प्रैक्टिकल में ब्रह्मा मुख वंशावली हो, तुम्हारा यादगार भी यहाँ है, अधर कुमारी का मंदिर भी है ना, जो काम चिता से उतर ज्ञान चिता पर बैठते हैं उनको अधर कुमारी कहा जाता है। तुम सन्यासियों को भी समझा सकते हो, बाकी कोई से फालतू माथा नहीं मारना चाहिए। पात्र जिज्ञासु होगा, वह तो अकेला आकर प्रेम से समझेगा, कहीं हंसी उड़ाने के लिए भी आते हैं, इसलिए नबस देख कर ऐसी दवाई देनी चाहिए। बाप ने कहा है पात्र को दान देना है, अर्थात आत्मा की चाहना को देख कर ज्ञान देना है। आज दुनिया बहुत खराब है, सन्यासी लोग तो कफनी पहन लेते हैं और जाकर अलग रहते हैं, कुछ न कुछ मिल जाता है, मजे से खाते पीते रहते हैं। आजकल उन्हों का प्रभाव है ना, तुम्हारे में भी जो अच्छी सर्विस करते हैं तो उन्हों की महिमा से औरों की भी महिमा निकल पड़ती है। जो बच्चे अच्छी सर्विस करते हैं तो सब कहेंगे इनके माँ बाप भी ऐसे होंगे। बाबा कहे मेहनत जरूर करनी है, सन्यासियों को तो घर बैठे वैराग आ जाता है तो हरिद्वार चले जाते हैं, वहाँ कोई गुरु कर लेते हैं। यहाँ की रसम ही निराली है, इनका कहाँ वर्णन है नहीं, गीता को ही झूठा बना दिया है। यह पहली बात खुल जाए अर्थात समझ आ जाए तो सब बीके बहुत नामी ग्रामी हो जाए, सब तुम्हारे पर सदके जाए अर्थात बलिहार जाए। बाबा कहे प्रभाव निकलना तो है ना, अभी तो तुम्हारा बहुत सामना करते हैं, पहले तो घर के ही दुश्मन बनते हैं। इस बाबा के भी कितने दुश्मन बने, श्री कृष्ण के लिए भी कहते हैं ना भगाता था, कितने कलंक लगाए हैं। यह भी ड्रामा में नोंद है, ड्रामा अनुसार ऑटोमेटिकली प्रभाव निकलता जाएगा, फिर भक्तों की भीड़ आकर होंगी, परंतु भीड़ में फिर सर्विस हो नहीं सकेंगी। सन्यासियों के पास भीड़ होती है तो वह खुश होते हैं, यहाँ तुम बच्चे जानते हो कोटों में कोई निकलेगा, सन्यासी तो यही सोचेंगे कि इनसे कोई निकलेंगे जो पैसे देंगे, तुम्हारा ख्याल चलता है कि इनसे कोई निकले जो बच्चा बन वर्षा लेवे, तो कितना फर्क है। तुम भाषण करते हो तो जो अपने बच्चे और धर्मों में कन्वर्ट हो गए हैं वह निकलेंगे, कोई आर्य समाज में कोई कहां से निकल आते हैं, तो जब फिर लोग सुनते हैं यह हमारे धर्म का ब्रह्मा कुमार कुमारियों के पास भाग गया है, तो समझते हैं हमारी नाक कट गई। इसमें समझाने की बड़ी युक्ति चाहिए,
पहले तो बाप का परिचय देना है, भल कोई लिख कर भी देते हैं, बरोबर शिव बाबा पढ़ाते हैं, परंतु उसमें खुश नहीं होना है, निश्चय बिल्कुल नहीं बैठा है। भल कोई बच्चे पत्र भी लिखते हैं, परंतु बाबा लिख देते हैं, तुमको निश्चय बिल्कुल नहीं है, निश्चय बैठे। मोस्ट बिलवेड बाप से वर्षा मिलता है तो एक सेकंड भी ठहरे नहीं। विवेक कहता है कि गरीब जट भागेंगे, साहूकार कोई विरला निकलेगा, साधारण कुछ निकलेंगे। बाबा कहे कोई भी आए, यह राजयोग की पाठशाला है। जैसे डॉक्टरी योग, वैसे यह राजयोग, जिससे राजाओं का राजा बनना है। हमारा एम ऑब्जेक्ट है ही मनुष्य से देवता बनना। अच्छा, बाप दादा का मीठे मीठे सिकिलधे बच्चों प्रति नंबर वार पुरुषार्थ अनुसार दिल पर वह चढ़ते हैं जो पुरुषार्थ कर आप समान बनाते हैं। बाकी बाप सभी बच्चों को प्यार तो करेंगे ही। अच्छा, रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी मात पिता बाप दादा को भी याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते। सारी मुरली से धारणा के लिए सार हैं। पहला, कर्म इंद्रियों से कोई भी विकर्म नहीं करना है। ज्ञान और योग बल से मन के तूफानों पर विजय प्राप्त करनी है। दूसरा पॉइंट, सेवा ऐसी करनी है जिससे मात पिता का नाम बाला हो, सबकी दुआएं मिलती रहे। आज बाबा ने वरदान दिया, अपने अनादि स्वरूप में स्थित रहे, सर्व समस्याओं का हल करने वाले एकांतवासी भव। अपने अनादि स्वरूप में स्थित रहे, सर्व समस्याओं का हल करने वाले एकांतवासी भव। स्पष्टीकरण है, आत्मा का स्वधर्म सुकर्म स्वस्वरूप और स्वदेश शांत है। संगम युग की विशेष शक्ति साइलेंस की शक्ति है। आपका अनादि लक्षण है शांत स्वरूप रहना और सर्व को शांति देना। इसी साइलेंस की शक्ति में विश्व की सर्व समस्याओं का हल समाया हुआ है। शांत स्वरूप आत्मा एकांतवासी होने के कारण सदा एकाग्र रहती है और एकाग्रता से परखने व निर्णय करने की शक्ति प्राप्त होती है, जो व्यवहार व परमार्थ दोनों की सर्व समस्याओं का सहज समाधान है। बाबा ने कितना अच्छा सूक्ष्म लिंक बताया कि जहाँ शांति है वहाँ एकाग्रता है, और जहाँ एकाग्रता है वहाँ परखने और निर्णय करने की शक्ति है, और जहाँ यह दोनों शक्ति है वहाँ व्यवहार और परमार्थ दोनों की सर्व समस्याओं का समाधान हो जाता है शांति की शक्ति से। आज का स्लोगन है, अपनी दृष्टि वृत्ति और स्मृति की शक्ति से शांति का अनुभव कराना ही महादानी बनना है। अपनी दृष्टि वृत्ति और स्मृति की शक्ति से शांति का अनुभव कराना ही महादानी बनना है। अच्छा, ओम शांति। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया।